बाराबंकी में मतगणना स्थल तीसरी आंख की सघन निगरानी में रहेगा। मुख्यालय स्थित नवीन मंडी परिसर में जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना की जानी है। इसमें दरियाबाद और कुर्सी की मतगणना 33 चक्रों में, बाराबंकी और जैतपुर की 32 चरणों में, रामनगर की 30 चरणों में और हैदरगढ़ की 28 चक्रों में गणना होगी, जिसके लिए प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 टेबलें लगाई गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने बताया कि सभी गणना कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। सभी एआरओ और मतगणना कर्मियों को प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि वीवीपैट की गिनती, ईवीएम लाने ले जाने की व्यवस्था के साथ ही चुनाव आयोग ने जिन जिन बिंदुओं पर निर्देश जारी किए थे वो सभी भी पूरे करा लिए गए हैं। लोकसभा जो चुनाव 2024 के हैं हमारे, उसमें कल 4 जून को काउंटिंग की प्रोसेस होनी है। उसमें जनपद बाराबंकी में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां की काउंटिंग हम लोग मंडी स्थल पे करेंगे, नवीन मंडी स्थल पर करेंगे। इसके लिए काउंटिंग सेंटर की पूरी तैयारियां हो गई हैं, हमारे सारे काउंटिंग हॉल तैयार हो गए हैं। गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो उसको देखते हुए विशेष तैयारियाँ भी की गई हैं। लोगों को शीतल जल को की व्यवस्था लगातार उनको पर्याप्त रूप से मिलती रहे, इसकी व्यवस्था कराई गई है। इसके अलावे वहाँ जो मेडिकल कैंप है उसको सुदृढ़ रखा गया है। काउंटिंग से संबंधित जो ट्रेनिंग है, जो हमारे काउंटिंग पर्सनल हैं उन सब लोगों का डिप्लॉयमेंट हो गया है, उनकी ट्रेनिंग हो गई है। जो पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है, जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स के लिए व्यवस्थाएं होती हैं, उनके जो चेकिंग फ्रिस्किंग की व्यवस्थाएं होती हैं, वो सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से देख ली गई हैं और पूरी इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस हैं उसका पूर्णतया पालन करते हुए काउंटिंग का पूरा प्रोसेस कम्प्लीट कराया जाएगा।